शांति, हम 1975 की 18 जनवरी की मुरली सुन रहे थे। तो कल एक मुरली जो थी तो उसमें बाबा ने साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण दिया था। आज की मुरली है परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। तो 18 जनवरी 1975 मुरली सुनेंगे आज हम। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वसुओं से बोले, मधुबन की क्या महिमा करते हो, कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसे संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग उत्साह और लगन से यहां तक पहुंचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सर्व रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठे, रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो, लेकिन यह महायज्ञ है। अपने अपने स्थान पर रोज अमृत वेले उठकर योग तपस्या तो करते हैं, लेकिन जब मधुबन में जाते तो बाबा कहते यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। बाबा पूछ रहे, लेते हैं संकल्प? क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए ना, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है, बाबा पूछ रहे, डाली है? यहां से जाते हो, डाल कर जाते हो, या अब वापिस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डाले? ये चेक करते हो कि जितना बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो, संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापिस ले जाते हो। आहुति संपूर्ण समर्पण हो, बाबा कहते हैं आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है। क्या ऐसे तो नहीं सोचते कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेता है। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हो तो सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर आधी अंदर रह जाती। बहुत अग्नि जली हुई होती है तो सेक तो लगता है, तो डालते समय आंच लगती है,
तो बाबा कहते आदि बाहर पड़ती आदि अंदर चली जाती। यहां भी सोचते हैं कि करे या न करे, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल भी नहीं होते। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो, आधा यहाँ आधा वहां बिखर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या रिजल्ट अभी आप सबकी रिजल्ट क्या हुई, सफलता हुई? यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया। बाबा कह रहे अभी जैसे बिखर गया मानो, आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गए। अभी तो जो सोचना है वो प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश न हुआ तो स्वर्ग न आया फिर पहुंचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। अनेक प्रश्न पूछते हैं ना बाबा से, तो बाबा कहते ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। आज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई न करे तो क्या कहेंगे? इनको वापिस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझकर करके भी अगर न करे तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? कारण क्या है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना माना समाना नहीं आता। भोजन है, खाते भी हो, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ टेस्ट के लिए खाया तो बाबा कहते शरीर में ताकत कैसे आएगी, खून कैसे बनेगा? समाने के बाद की शक्ति का स्वरूप बनता है, समाने के बाद ही वो शक्ति स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेज का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हरेक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी,
अगर समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब समझ में आए तो बाबा कहते धोखा तो नहीं मिलेगा ना, धोखा नहीं खाएंगे। आंख और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगे। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। इतनी बड़ी बात है कि सर्व, जब आत्मा के अंदर नॉलेज आ जाती है तो वो हर एक कर्म इंद्रियों के अंदर नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। यहाँ नॉलेज को समाना है, हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेज फुल बना ना, कोई भी कर्म इंद्रिया हमें धोखा न दे। हर वर्ष आते हो, जाते ना मधुबन में, कहते हो कि अभी नहीं करूंगा, वायदा करके जाते हो। अभी कब पूरा होगा, कारण क्या है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों, कारण क्या है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म होता है उसमें अंतर क्यों, बाबा पूछ रहे, कारण क्या है उसका? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी, इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा करते हो। सब बातें आएगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहां से आया? स्वाह करके जाते हो फिर क्यों आता है? देह अभिमान अलबेलापन वापिस क्यों लौट कर आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाह करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ, बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे बीज बोते हो तो उसको संभाल भी करते हैं ना बाद में, तो बाबा कहते हैं लेकिन संकल्प के साथ साथ, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वो संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उसकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दे दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो, वो जो दृढ़ संकल्प किया है तो बाबा कहते उस दृढ़ संकल्प का की पालना तो करनी चाहिए। तो वचन और मनसा पर अटेंशन चाहिए। वाचा, तो बाबा कहते जो बाबा से वायदा किया है तो वाचा और मनसा के संकल्प में अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो, संकल्प तो कर दिया, बाबा को तो दे दिया। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। उसका चिंतन तो बाबा कहते करना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। जो कमी कमजोरियां है बाबा कहते उसकी चिंता लगनी चाहिए कि ये कब निकले हमारे से। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वो नहीं तो अलबेलापन है। कहते हो करते नहीं, जो पीछे की युक्ति है
उसे प्रैक्टिकल में ला। मतलब बाबा ने उदाहरण जो दिया उस बीज को संभाल करने का, तो बाबा कहते उसको प्रैक्टिकल में ला। आराम पसंती देवता स्टेज का संस्कार है, वो ज्यादा खींचता है। देवता स्वरूप में ज्यादा आराम कर लिया ना, तो बाबा कहते वो संस्कार ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मणों के संस्कार जो त्याग मुहूर्त के हैं वह कम इमर्ज है। त्याग तपस्वी के संस्कार है ना ब्राह्मणों के, तो देवताओं के संस्कार इमर्ज हो जाते। बाबा कहते ब्राह्मणों के संस्कार इमर्ज हो जाए। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। कर लेंगे, देखा जाएगा, या आराम पसंती के संस्कार है। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मण पने के संस्कार है। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वो पास होता है। तो मुझे पढ़ना है ना, तो वो पास हो जाता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वे पास हो, तो बाबा कहते जो आराम पसंद होते हैं तो वे क्या पास होंगे। अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता, ये श्रेष्ठ चिंताएं हमारे साथ लगी रहे कि हमें संपूर्ण बनना है, कमजोरियों को दूर करना है, बाबा को प्रत्यक्ष फल दिखाना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए परिवर्तन भूमि में परिवर्तन करके जा। महायज्ञ है ना, तो महायज्ञ में संपूर्ण आहुति पड़ जा। अच्छा, तो इसी मुरली के कुछ महावाक्य है, मुख्य पॉइंट्स बाबा कहते हैं इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। पहला है, मधुबन है अविनाशी रुद्र, माना रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। दूसरा है, उसमें बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। नॉलेजफुल का अर्थ ही है कि हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाते हो, अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। लास्ट की पॉइंट है, जितना ज्ञान धारणा में आता है वह संस्कार बन जाते, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो चलिए कुछ क्षण हम ये अनुभव करेंगे कि हम महायज्ञ में बैठे हैं और हमारी सभी कमी कमजोरियों की आहुति पड़ती जा रही है और वो संपूर्ण रीति से भस्म होते जा रहे। इसी संकल्प में एकाग्र हो जाए कुछ क्षण। संपूर्ण एकाग्रता से अपनी सारी कमी कमजोरियों की आहुति दे। मधुबन महायज्ञ शांति।